Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay, students, now let us start question D. Answer these questions in brief. Now, let us start with the first one. हाउ डू करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्रवाहे किसी क्षेत्र की आबोवा को कैसे प्रभावित करती है ओके एंड द आंसर इज ओसन करंट्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड द अर्थ जिसका मतलब है महासागर की प्रवाहें पृथ्वी के चारों ओर तापमान के विस्तार को प्रभावित करती है द वॉम एंड द कोल्ड करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज जिसका मतलब है गर्म और ठंडी प्रवाहें तटीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि या कमी करती है वॉम करंट्स इंक्रीजिस द मॉइस्चर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड कोल्ड करंट्स डिक्रीज द सेम जिसका मतलब है गर्म प्रवाहें हवा की नमी की क्षमता को बढ़ाती है ठंडी प्रवाहें कम हो जाती है डेजर्ट्स आर मोस्टली अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर कोल्ड करंट्स फ्लो जिसका मतलब है रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर है जहां ठंडी प्रवाहें सुनामी यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि सुनामी क्या है एंड द आंसर इज सुनामी अकर्स वेन ए लार्ज मास ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड जिसका मतलब है सुनामी तब होती है जब पानी का एक बड़ा द्रव्यमान विस्थापित हो जाता है द मोस्ट कॉमन कोस इज एन अंडर सी अर्थक्वेक जिसका मतलब है सबसे आम कारण एक समुद्र तले का भूकंप है इट कोजिस लार्ज एरियाज ऑफ द सी फ्लोर टू राइज और सबसाइड जिसका मतलब है यह समुद्र तल के बड़े क्षेत्रों को बढ़ने या कम होने का कारण बनता है ओके स्टूडेंट्स नो लेटेस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन थ्री हाउ डू ओसंस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि तटीय क्षेत्रों में महासागर वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं ओके एंड द आंसर इज ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड द अर्थ जिसका मतलब है महासागर की प्रवाहें पृथ्वी के चारों ओर तापमान के विस्तार को प्रभावित करती है द वार्म एंड कोल्ड करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज जिसका मतलब है गर्म और ठंडी प्रवाहें तटीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि या कमी करती है करंट हेल्प इन कीपिंग द कोस्टल एरियाज आइस फ्री जिसका मतलब है गर्म प्रवाही तटीय क्षेत्रों को बर्फ मुक्त रखने में मदद करती है क्वेश्चन वॉट इज अ वेव? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक लहर क्या है ओके एंड द आंसर इज द अप एंड डाउन मूवमेंट्स सीन ऑन द सर्फेस ऑफ ओसन वाटर्स आर कॉल्ड वेव्स जिसका मतलब है समुद्र के पानी की सतह पर ऊपर और नीचे की हलचल को लहरें कहते हैं मोस्ट वेव्स आर कोज बाय विंड व्हेन इट ब्रशिज द सरफेस ऑफ द सी जिसका मतलब है अधिकांश लहरें हवा के कारण होती है जब यह समुद्र की सतह को स्पर्श करती है एवरेज ओशन वेव्स आर अबाउट 1.5 टू 3 मीटर हाई जिसका मतलब है औसत समुद्र की लहरें लगभग डेढ़ से तीन मीटर ऊंची होती है इन सालो वाटर नियर द शोर वेव्स ब्रेक जिसका मतलब है छिंचले पानी में तट के पास लहरें टूट जाती है वेव्स हैव ग्रेट फोर्स एंड आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ इरोजन जिसका मतलब है लहरों में बहुत बल होता है और क्षरण के शक्तिशाली कारक होते हैं सम आर ट्रिगर्ड बाई अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्सन इन और नियर द ओसन जिसका मतलब है कुछ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से या समुद्र के पास से शुरू होते हैं जिसका मतलब है ये तरंगे बीस से तीस मीटर तक ऊंची हो सकती है दे आर कॉल्ड सुनामीस जिसका मतलब है उन्हें सुनामी कहा जाता है ओके स्टूडेंट्स नो लेटेस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन फाइव हाउ डस ओशन वाटर गेट हीटेड यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि समुद्र का पानी कैसे गर्म होता है एंड द आंसर इज ओशन वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन जिसका मतलब है सूर्य द्वारा महासागर का पानी गर्म हो जाता है इन जनरल वाटर इज वार्मर नियर द इक्वेटर जिसका मतलब है सामान्य तौर पर भूमध्य रेखा के पास पानी गर्म होता है द टेम्परेचर डिक्रीजिज टूवर्ड्स द पोल जिसका मतलब है तापमान ध्रुवों की ओर घटता जाता है द हाइएस्ट टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड इन एनक्लोस ट्रॉपिकल सीज जिसका मतलब है सबसे अधिक तापमान संलग्न उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में दर्ज किए जाते हैं ओके स्टूडेंट्स नो लेटेस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन ई आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द साइकिल यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक आकृति की मदद से जल चक्र को समझाइए एंड द आंसर इज ओसंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ जिसका मतलब है महासागर पृथ्वी पर पानी के प्राथमिक स्रोत है वॉटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओसन इन टू द एटमोस्फियर जिसका मतलब है पानी का समुद्र में से वातावरण में बास्पीभवन होता है वाटर ऑल्सो एंटर्स द थ्रू एवपोरेशन फ्रॉम सोयल प्लांट्स एंड अदर वाटर सरफेसिस जिसका मतलब है पानी मिट्टी पौधों और अन्य जल सतहों से बास्वन के माध्यम से भी वातावरण में प्रवेश करता है द वॉटर वेपर इन द एयर कंडेंसिस इन टू क्लाउड्स जिसका मतलब है हवा में जल भाप बादलों में संघनित होता है विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन ट्रांसपोर्ट द मॉइचर इन द क्लाउड जिसका मतलब है समुद्र से बहने वाली हवाएं बादल में नमी का परिवहन करती है दिस कंडेंस वाटर वेपर कम्स डाउन एज रेन एंड स्नो मेनली ओवर लैंड जिसका मतलब है यह गाढ़ा जल भाप मुख्य रूप से जमीन पर बारिश और बर्फ के रूप में नीचे आता है सम ऑफ दिस प्रिसिपिटेशन दैट फोर्स इज ऑब्जर्व बाय प्लांट्स एंड सोइल जिसका मतलब है इसमें से कुछ वर्षा पौधों और मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है द रेस्ट ऑफ इट रन्स इन टू रिवर और सिप्स इन टू अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जिसका मतलब है इसका बाकी हिस्सा नदियों में चला जाता है या भूमिगत धाराओं में बह जाता है दिस इज नोन एज सरफेस रन ऑफ जिसका मतलब होता है इसे सतह अफवाह के नाम से जाना जाता है दिस एक्सेस वाटर फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू रीच द सी जिसका मतलब है कि यह अधिक पानी नदियों और धाराओं के रूप में बहकर समुद्र तक पहुंचता है फ्रॉम द लैंड टू सी एंड अगेन जिसका मतलब है जमीन से पानी वापस समुद्र में जाता है और चक्र फिर से शुरू होता है ओके okay, इम्पोर्टेंट no, यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि ज्वार कैसे महत्वपूर्ण है एंड द आंसर इज टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज मैनी वेज जिसका मतलब है ज्वार कई तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट पॉइंट द इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर एट हाई टाइड हेल्प्स लार्जर शिप्स टू एंटर द हार्बर जिसका मतलब है उच्च ज्वार पर पानी की गहराई बढ़ने से बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने में मदद मिलती है नेक्स्ट पॉइंट मैनी शिप्स यूज द रिट्रीटिंग वॉटर्स ऑफ द लो टाइट टू लिव हार्बर्स जिसका मतलब है कई जहाज बंदरगाह को छोड़ने के लिए कम ज्वार के पीछे हटने वाले पानी का उपयोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज टाइट कॉन्स्टेंटली स्वीप द कोस्ट कैरिंग अवे द सीट ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स दस कीपिंग द रिवर चैनल्स एंड मैनी हार्बर्स फ्री फ्राम सेडिमेंट जिसका मतलब है ज्वार लगातार तटों पर तैरते रहते हैं इस प्रकार नदियों द्वारा लाई गई गाद को बहाकर ले जाते हैं जिससे नदी के प्रवाह और कई बंदरगाह तलछटों से मुक्त रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग हाई टाइट्स लो लोइंग एरियाज अलोंग सी कोस्ट आर फ्लडेड एंड दिस वाटर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट जिसका मतलब है ऊंच ज्वार के दौरान समुद्र के तटों के साथ निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है और इस पानी का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है सोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जिसका मतलब है भारत के पश्चिमी तट के साथ इस तरह से नमक का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स हेल्प रिवर इन बिल्डिंग देयर फ्लड प्लेन्स जिसका मतलब है मजबूत ज्वार की धाराएं नदियों को उनके बाढ़ के मैदानों के निर्माण में मदद करती है नेक्स्ट पॉइंट इज फिशरमैन डिपेंड ऑन रेगुलर रिदम ऑफ हाई एंड लो टाइट फॉर देयर लाइवलीहुड जिसका मतलब है मछुआरे अपनी आजीविका के लिए उच्च और निम्न ज्वार की अपनी नियमित लय पर निर्भर करते हैं एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स लार्ज स्केल फिशिंग इज कैरीड ऑन इन क्रिक्स बेस एंड लगुन्स जिसका मतलब है उच्च द्वार के समय बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य छोटी नदी उपसमुद्र और खाड़ी में किया जाता है ओके स्टूडेंट्स नो लेटेस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन थ्री वॉट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स गिव एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि महासागर की प्रवाहों के मुख्य असर है क्या है जहाँ भी असंभव हो उदाहरण दे एंड द आंसर इज द मेन इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स आर एज फॉलो जिसका मतलब है महासागर के प्रवाहों की असरे नीचे दी गई है ओके नो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ओसन करंट्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड द अर्थ जिसका मतलब है महासागर के प्रवाहों पृथ्वी के चारों ओर तापमान के वितरण को प्रभावित करती है द वॉर्म एंड कोल्ड करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज जिसका मतलब है गर्म और ठंडी प्रवाहें तटीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि या कमी करती है ओके नो नेक्स्ट पॉइंट वार्म करंट्स इंक्रीज द मॉइस्चर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड कोल्ड करंट्स डिक्रीज द सेम जिसका मतलब है गर्म प्रवाह हवा की नमी धारण क्षमता को बढ़ाती है ठंडी प्रवाह कम हो जाती है डेजर्ट्स आर मोस्टली अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर कोल्ड करंट्स फ्लो जिसका मतलब है रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर है जहाँ ठंडी प्रवाह बहती है नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स कोजिस डेंस फोग विच हैम्पर्स नेविगेशन जिसका मतलब है ठंडे और गर्म प्रवाहों के मिश्रण से घना कोहरा होता है जो नौपरिवहन को बाधित करता है नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट प्लेसिस फॉर फिशिंग आर फाउंड वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मिट्स जिसका मतलब है मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छे स्थान पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी प्रवाहें मिलती है फॉर एग्जाम्पल एरियाज अराउंड न्यूफाउंडलैंड एंड जापान जिसका मतलब है उदाहरण के तौर पर न्यूफाउंडलैंड और जापान के आसपास के क्षेत्र है नेक्स्ट पॉइंट इज ओशन करंट्स हेल्प इन नेविगेशन जिसका मतलब है महासागर की प्रवाह है नौ परिवहन में मदद करती है एंड द लास्ट पॉइंट इज वार्म करंट्स हेल्प इन कीपिंग द आइस फ्री जिसका मतलब है गर्म प्रवाह है महासागरों को बर्फ मुक्त कर रखने में मदद करती है ओके स्टूडेंट्स नो अंडरस्टैंड क्वेश्चन हाउ डू टाइड्स हेल्प ट्रेड एंड फिशिंग यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि ज्वार व्यापार और मछली पकड़ने में कैसे मदद करते हैं एंड द आंसर इज टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज मैनी वेज जिसका मतलब है ज्वार कई तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है ओके लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट द इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर एट हाई टाइड हेल्प्स लार्जर शिप्स टू एंटर द हार्बर जिसका मतलब है उच्च ज्वार पर पानी की गहराई बढ़ने से बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने में मदद मिलती है नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी शिप्स यूज द रिट्रीटिंग वाटर्स ऑफ द लो टाइड टू लिव हार्बर्स जिसका मतलब है कई जहाज बंदरगाह को छोड़ने के लिए कम ज्वार के पीछे हटने वाले पानी का उपयोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज टाइड्स कॉन्स्टेंटली स्वीप द कोस्ट कैरिंग अवे द सील्ट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स दस कीपिंग द रिवर चैनल्स एंड मैनी हार्बर्स फ्री फ्रॉम सेडिमेंट जिसका मतलब है ज्वार लगातार तटों पर तैरते रहते हैं इस प्रकार नदियों द्वारा लाई गई गाद को बहाकर ले जाते हैं जिससे नदी के प्रवाह और कई बंदरगाह तल छटों से मुक्त रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस ड्यूरिंग हाई टाइड्स लो लाइंग एरियाज एलोंग सी कोस्ट आर फ्लडेड एंड दिस वाटर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट जिसका मतलब है ऊंच ज्वार के दौरान समुद्र तटों के साथ निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है और इस पानी का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है सोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर एलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जिसका मतलब है भारत के पश्चिमी तट के साथ इस तरह से नमक का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोंग टाइडल करंट्स हेल्प रिवर इन बिल्डिंग देयर फ्लड प्लेन्स जिसका मतलब है मजबूत ज्वार की धाराएं नदियों को उनके बाढ़ के मैदानों के निर्माण में मदद करती है एंड द लास्ट पॉइंट इज फिशरमैन डिपेंड ऑन देयर रेगुलर रिधम ऑफ हाई एंड लो टाइट फॉर देयर लाइवलीहुड जिसका मतलब है मछुआरे अपनी आजीविका के लिए उच्च और निम्न ज्वार की अपनी नियमित लय पर निर्भर करते हैं एट द टाइम ऑफ हाई टाइट्स लार्ज स्केल फिशिंग इज कैरिड ऑन इन क्रिक्स बेस एंड लगुन्स जिसका मतलब है ऊंच ज्वार के समय बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य छोटी नदी उप समुद्र और खाड़ी में किया जाता है